असल दोस्तों कैसे सब, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। दोस्तों आज मैं फिर हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों अगर आप जिस्म पर बहुत ज़्यादा एलर्जी होना शुरू हो जाती है, या आपको बहुत ज़्यादा छींकें आना शुरू हो जाती हैं, या आपके जिस्म पर बहुत ज़्यादा डॉट सर्कल्स यानी कि दाने बनना शुरू हो जाते हैं और साथ साथ रेडनेस आना शुरू हो जाती है, या अगर आप जिस्म पर इन्फ्लेमेटरी होना शुरू हो जाती है, तो उसके लिए आपने कौन सी टैबलेट इस्तेमाल करनी है। उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करके नोटिफिकेशन फॉर ऑल कर दें। अच्छा दोस्तों, बात हो रही थी कि अगर आप जिस्म पर बहुत ज़्यादा एलर्जी है, जिस्म पर बहुत ज़्यादा स्पॉट बनना शुरू हो जाते हैं, जिस्म पर बहुत ज़्यादा रेडनेस आना शुरू हो जाती है, या अगर आपको छींकें और साथ में बहुत ज़्यादा खारिश होना शुरू हो जाती है, तो आपने उसके लिए कौन सी टैबलेट इस्तेमाल करनी है। दोस्तों मेरे हाथ में कैस्टीन टैबलेट है। दोस्तों ये कैस्टीन टैबलेट है, ये आपने रात को सोने से पहले 1 वीक के लिए, यानी कि आप सिर्फ एक हफ़्ता आप इसका इस्तेमाल करेंगे सिर्फ रात को सोने से पहले। अगर आप जिसमें बहुत ज़्यादा एलर्जी है, जिसमें बहुत ज़्यादा दाने हैं, जिसमें बहुत ज़्यादा रेडनेस है, तो ये आपने टैबलेट इस्तेमाल करनी है। 21 रुपीज़ की एक टैबलेट है दोस्तों, जो कि हर मेडिकल स्टोर पे और हर फार्मेसी पे आपको आसानी से मिल जाएगी। लेकिन अगर आपको मैं साथ एक और बात आपको बताता चलूँ कि अगर आपके जहन में ये माइंड सवाल आ रहा हो कि ये टैबलेट इस्तेमाल करने से किस किस्म की बढ़ोतरी होती हो, या अगर आप इस या आपके साथ साथ जिसमें बहुत ज़्यादा नींद आती है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। सिर्फ ये आपने रात को सोने से पहले एक टैबलेट इस्तेमाल करनी है 1 वीक के लिए, जिसमें दाने भी ख़त्म हो जाएंगे, एलर्जी या डस्ट एलर्जी है वो भी ख़त्म होना शुरू हो जाएगी। एक एस्टीन टैबलेट है जिसके अंदर जो सॉल्ट है एबस्टीन की है, 10 mg में है। तो ये आप टैबलेट इस्तेमाल करें तो इंशाल्लाह आपको बहुत फ़ायदा होगा। लेकिन इसके साथ साथ आपने राइस का इस्तेमाल नहीं करना है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक दोस्तों अल्लाह हाफिज़।